बहुत समय पहले की बात है, उदयपुर गांव में सुचेता नाम की परी रहती थी, जिसकी दो बेटियां थी। एक का नाम सोना और दूसरी का नाम मोना था। सुचेता परी बहुत ही अच्छी थी। वो अपने जादू का कभी भी दुरुपयोग नहीं करती थी। वो हमेशा परेशानी में आए लोगों की सहायता किया करती थी, जिस वजह से उस परी का उस गांव में बहुत नाम था। ऐसे ही वक्त का पहिया घूम रहा था और रानी परी की उम्र ढलती जा रही थी। फिर एक दिन रानी परी बहुत बीमार पड़ गई और बिस्तर पकड़ ली। फिर वो अपनी दोनों बेटियों को बुलाती है और उनसे कहती है, सोना और मोना, मेरी प्यारी बच्चियों, मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हें भी छड़ी का उपयोग करना सिखा दूं, लेकिन मैं इस काम में नाकामयाब रही और अब तो मेरे पास समय ही नहीं बचा है। अब मेरे जाने का समय निकट आ गया है। मेरे जाने के बाद तुम दोनों का पालन पोषण कैसे होगा, इसलिए मैंने पहले ही बादलों में जादुई लहंगा का घर बनाकर रख दिया है। लेकिन मुझे कुछ दिनों बाद पता चला कि वहाँ दूसरा भी लहंगा घर है। अब बेटी, तुम दोनों को बादलों में जाना होगा और असली लहंगा घर को पहचानना होगा। माँ की ऐसी बातें सुनकर सोना कहती है, माँ आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप चिंता मत कीजिए, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। आप हमें बताइए कि हमें छड़ी से कौन से जादू करने हैं जिससे आप ठीक हो जाएं? नहीं नहीं बेटा, मैंने ये कर देख लिया पर कोई फायदा नहीं हुआ। मेरा ऊपर से बुलावा आ चुका है। बेटी सोना, मोना अभी नादान है, वो तुम्हारी तरह समझदार नहीं है। मेरे जाने के बाद अपनी बहन का ख्याल रखना और जैसे मैं लोगों की मदद किया करती थी, तुम भी वैसी ही करना। ये लो बेटी, ये जादुई छड़ी, इसमें कुछ शक्तियाँ है जिससे तुम उड़ सकती हो। ये तुम्हें लहंगा घर ढूंढने में तुम्हारी सहायता करेगी। इतना बोलकर सुचेता परी दम तोड़ देती है। अपनी माँ को अपनी आँखों के सामने दम तोड़ते हुए देख दोनों बहनें बहुत रोती है। नहीं माँ, आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। प्लीज अपनी आँखें खोलिए, आपके बिना हम कैसे रहेंगे? आपके सिवा हमारा इस दुनिया में है ही कौन? प्लीज उठो ना माँ, आपने ना जाने कितने लोगों की जान बचाई है, आप अपनी भी जान बचा लो ना माँ। कृपया करके हमारे पास आ जाओ, अपनी आँखें खोलो माँ, उठो माँ। ऐसा कहकर दोनों बहनें फूट फूट कर बहुत रो रही थी। फिर कुछ समय बाद दोनों बहनें अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देती है और घर आ जाती है। ऐसे ही महीने दो महीने गुजरते हैं। जब उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है, तब उन्हें लहंगा घर की याद आती है और मोना सोना से कहती है, देख सोना, बादलों में तो जादुई छड़ी लेकर मैं जाऊंगी, तुझे वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। माँ मुझे हमेशा बेकार और नादान समझती थी, अब देखना मैं कैसे सही लहंगा घर को पहचानती हूँ और माँ को गलत साबित करती हूँ। मोना, ये तुम्हें क्या हो गया? माँ के कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था जो तुम समझ रही हो। तुम छोटी हो इसलिए माँ ने कहा था, हम दोनों को एक साथ बादलों में जाना चाहिए, वहाँ कुछ भी हो सकता है, पता चले वहाँ कोई खतरा हो। देख सोना की बच्ची, मेरा ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। मैं तेरी तरह बेवकूफ नहीं हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि खतरों से कैसे खेला जाता है। मुझे डराने की कोशिश मत कर और ला ये छड़ी मुझे दे, मैं ये छड़ी तुझे हरगिज नहीं दूंगी। सोना मोना को समझाने की बहुत कोशिश करती है पर मोना समझने का नाम ही नहीं लेती और मोना सोना से वो छड़ी लेकर बादलों की ओर बढ़ जाती है। बादलों में कुछ समय उड़ने पर उसे नीचे जंगल में एक बूढ़ी औरत दिखाई पड़ती है जो मदद की गुहार लगा रही होती है। हे नन्ही परी, कृपया कर नीचे आओ और मेरी सहायता करो। मैं काफी देर से ये जंगल पार कर रही हूँ पर अब मेरे शरीर में जान नहीं बची कि मैं चलकर घर तक जा सकूं। कृपया तुम मुझे अपने साथ उड़ाकर मेरे घर तक छोड़ दो, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान रहेगा मुझ पर। बूढ़ी औरत की बात सुनकर मोना परी नीचे आती है और कहती है, बुढ़िया तूने क्या मुझे मेरी माँ की तरह समझ रखा है जो राह चलते लोगों की मदद करती फिरूं? मैं अपनी माँ का बना हुआ लहंगा घर लेने बादलों में जा रही हूँ, फालतू में मुझे टोक कर मेरा समय बर्बाद कर दिया। इतना कहकर मोना परी उस बूढ़ी औरत को धुतकार कर बादलों में उड़ते हुए आगे बढ़ती है। तभी उसे रास्ते में दो चमगादड़ नजर आते हैं और मोना से कहते हैं,
ए प्यारी परी, कृपया कर हमारी मदद करो। हमें दिन के उजाले की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कृपया करके हमें हमारी गुफा तक छोड़ दो, तुम्हारा हम पर बहुत बड़ा उपकार होगा। अरे तो मैं क्या करूं? मैंने तुम्हारी मदद करने का ठेका ले रखा है क्या? चलो हटो मेरे रास्ते से। हे प्यारी परी, ऐसा ना कहो। अगर तुमने हमारी सहायता की तो हम तुम्हें बदले में ढेर सारा धन दौलत देंगे। हमें पता है वो धन दौलत कहाँ पर है। हमें हमारी जान से प्यारा धन दौलत नहीं है। तुम हमारी मदद करो, बदले में हम तुम्हें ढेर सारा दौलत देंगे। अब तो तुम हमारी मदद करोगी ना? धन दौलत का नाम सुनते ही मोना खुशी से कहती है, धन दौलत? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम मुझे इतनी सारी धन दौलत दोगे तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। तो मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी गुफा तक छोड़ आती हूँ। मोना धन दौलत के लालच में उन दो चमगादड़ को उसके गुफा तक छोड़ने चली जाती है। गुफा तक पहुँचने के बाद वो दो चमगादड़ दो खतरनाक भूत में बदल जाते हैं और मोना से कहते हैं, बेवकूफ लड़की, तूने धन दौलत के लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। हम तो बस तुझे उल्लू बना रहे थे। वैसे हमने बहुत दिनों से अच्छा भोजन नहीं किया है। आज हमारे हाथ अच्छा शिकार लगा है। आज हम तेरा खून पिएंगे। बहुत मजा आएगा तेरा खून पीने में। देखो भूत, मुझे छोड़ दो। मैं तो बस बादलों में अपनी माँ का बना हुआ जादुई लहंगा घर लेने जा रही थी। प्लीज मुझे मत खाना, मुझे मत मारना, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। प्लीज मुझे मत मारना, मुझे छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दे? हमने तो तेरी माँ की तरह बादलों में एक और लहंगा घर बना रखा है। चल तू हमारे साथ हमारे दूसरे लहंगा घर में चल। वहाँ हम तुझे बंदी बना कर रखेंगे और तुझे धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। ऐसा कहकर दोनों भूत मोना को अपने दूसरे लहंगा घर में ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ घर पर सोना को मोना की चिंता सता रही थी, क्योंकि मोना को गए हुए पूरे 3 दिन हो चुके थे और वो अभी तक वापस नहीं आई थी। तभी वो सोचती है और बोलती है, हे भगवान, 3 दिन हो गए और मोना अभी तक वापस नहीं आई। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं। मैं तो बादलों की तरफ जा भी नहीं सकती। मेरे पास तो जादुई छड़ी है ही नहीं जिसकी मदद से मैं उड़ सकूं। अब मैं वहाँ कैसे जाऊँ, क्या करूँ? माँ ने बोला था अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। मैं कैसी बहन हूँ जो अपनी छोटी बहन का ख्याल नहीं रख पाई? ऐसा सोच सोच कर सोना बहुत दुखी हो रही थी। तभी अचानक से वो जादुई छड़ी उसके सामने आ जाता है। छड़ी देखकर सोना समझ जाती है कि अब उसे क्या करना है। वो छड़ी लेती है और उड़ते हुए बादलों की ओर चली जाती है। वो बादलों में उड़ रही थी कि तभी उसे जंगल के नीचे वही बुढ़िया नजर आती है जो सोना को मिली थी। वो मदद की गुहार लगाती है, हे नन्ही परी, कृपया कर नीचे आओ और मेरी सहायता करो। मैं काफी देर से ये जंगल पार कर रही हूँ, पर अब मेरे शरीर में जान नहीं बची कि मैं चलकर घर तक जा सकूँ। कृपया तुम मुझे अपने साथ उड़ाकर मेरे घर तक छोड़ दो। तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान रहेगा मुझ पर। बुढ़िया की बात सुनकर सोना परी नीचे आती है और बुढ़िया से कहती है, हाँ अम्मा, क्यों नहीं, चलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। फिर सोना परी उसे अपने साथ उड़ाकर उसके घर तक छोड़ आती है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी सहायता की। तुम्हारा दिल बहुत साफ है, वरना आजकल कौन किसकी मदद करता है। वैसे बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? अम्मा, मैं अपनी माँ के द्वारा बनाया गया लहंगा घर ढूंढने जा रही हूँ। मेरी माँ ने बताया था कि वहाँ पर 2 लहंगा घर है, एक मेरी माँ का है और दूसरा नकली है। मेरी बहन भी लहंगा घर ढूंढने आई थी, लेकिन अभी उसका कुछ अता पता नहीं है और मैं इस वजह से बहुत परेशान हूँ। पता नहीं वो जादुई लहंगा घर है कहाँ और मेरी बहन कहाँ है। बेटी, यहाँ से सीधे उड़कर बाई मुड़ जाना, बस फिर आ जाएगा तुम्हारी माँ का बनाया जादुई लहंगा घर। उस बुढ़िया के बताए हुए रास्ते पर सोना जाती है। फिर कुछ ही देर में सोना लहंगा घर के पास पहुंच जाती है। उसे वहां 2 लहंगा घर दिखाई देता है। एक लहंगा घर में से आवाज आती है, सोना, मेरे लहंगा घर के अंदर आओ। यहां बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं जिन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है, परंतु इस लहंगा घर में तुम्हें अच्छा कुछ नहीं मिलेगा। तभी दूसरे लहंगा घर से आवाज आती है, सोना आओ, मेरे लहंगे घर में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें मेरे लहंगे घर में बहुत सारा धन दौलत मिलेगा।
इसे तुम अपने साथ ले जाओ और बहुत ही धनवान बन जाओ और अपनी जिंदगी ऐश से जियो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम किस घर में जाना पसंद करोगी। मुझे धन दौलत का बिल्कुल लालच नहीं है, मैं बुजुर्ग लोगों की सेवा करके पुण्य कमाना चाहती हूँ। पुण्य धन दौलत से कई गुना बढ़कर होता है। धन दौलत का क्या है, ये कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएगी, लेकिन उन बुजुर्ग लोगों की दुआएं मेरे साथ हमेशा रहेंगी। ऐसा कहकर सोना पहले लहंगा घर में चली जाती है। अंदर जाकर सोना हैरान रह जाती है क्योंकि उस घर में बहुत सारा धन दौलत और हीरे जवाहरात थे। तभी उस घर के अंदर से आवाज आती है, सोना तुमने बिल्कुल लालच नहीं किया और बुजुर्ग लोगों की मदद करना चाहा। इससे यही पता चलता है कि तुम रानी परी सुचेता की ही बेटी हो, वो भी लोगों की बहुत मदद किया करती थी। अब तुम मुझे खुशी खुशी ले जा सकती हो। जादुई लहंगा घर, मेरी बहन भी तुम्हें यहाँ से ले जाने आई थी। मैं जानती हूँ कि वो थोड़ी लालची है, कहीं वो लालच में आकर किसी मुसीबत में ना पड़ गई हो। ना जाने मेरी बहन किस हालत में होगी। मुझे अपनी बहन को अपने साथ घर ले जाना है। अच्छा, तो पास वाले लहंगा घर में जो लड़की है वो तुम्हारी बहन है। पर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ ने इस लहंगा घर को बहुत शक्तिशाली बनाया है। इस घर में प्रवेश करते ही अब तुम्हारे अंदर भी काफी सारी शक्तियाँ आ गई है। जाओ और अपनी बहन को उस घर से बचा कर लाओ। जादुई लहंगा घर की बातें सुनकर सोना दूसरे लहंगा घर के अंदर जाती है तो उसका सामना दो भूतों से होता है। वो दोनों भूतों को अपनी जादुई छड़ी से चलाकर भस्म कर देती है और अपनी बहन को होश में ले आती है। होश में आते ही मोना अपनी बहन के गले लग जाती है और उससे माफ़ी मांगती है। दीदी मुझे माफ कर दो, अब मुझे आपकी कहीं बातें समझ में आ रही है। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी, मैं आपकी हमेशा बातें मानूंगी। मोना मेरी बहन, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, बस अब और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मोना मैंने माँ का बना हुआ जादुई लहंगा घर भी ढूंढ लिया है, चलो हम दोनों बहनें साथ में लहंगा घर लेकर अपने घर चलते हैं। फिर दोनों बहनें लहंगा घर लेकर अपने घर चली आती है और एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत। सौतेली बहने और जादुई तीन अंगूठियाँ। बहुत समय पहले पहाड़ियों के बीच एक सुंदर सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में मीना, गीता और रानी नाम की तीन सौतेली बहनें अपनी माँ सुमित्रा के साथ रहती थी। गीता और मीना सुमित्रा की अपनी संतान थी, मगर रानी उसकी सौतेली बेटी थी। सुमित्रा अपनी तीनों बेटियों में से सबसे ज्यादा प्यार रानी से करती थी, क्योंकि रानी बहुत ही समझदार और मेहनती थी। रानी हर रोज सुबह उठकर समय पर घर का सारा काम किया करती। वहीं दूसरी ओर सुमित्रा की दोनों बेटियां मीना और गीता बहुत आलसी थी। वो दोनों देर तक सोती रहती और घर का कोई भी काम नहीं करती थी। मीना और गीता रानी से बहुत जलती थी। ऐसे ही एक दिन, माँ हमारे घर में सभी सुंदर है सिर्फ रानी को छोड़कर, क्या आप इस काली कलूटी बंदरियों को कूड़े के ढेर से उठाकर लाई थी? मुझे तो लगता है माँ ने इसे कूड़े से नहीं किसी गटर से उठाया होगा। तुम दोनों ऐसा क्यों कह रही हो? वो तुम दोनों की बहन है और मेरी बेटी। एक तो तुम दोनों घर का कुछ काम करती नहीं, ऊपर से बेचारी रानी को बुरा भला कह रही हो। खबरदार, आगे से दोबारा ऐसा कहा तो। रानी पास में खड़ी सब सुन रही थी। रानी स्वभाव से बहुत ही चंचल और शरारती थी। वो मन ही मन बोली, इन दोनों ने मुझे काली बंदरिया कहा, आज मैं इन्हें सबक सिखा ही देती हूँ। जब मीना और गीता अपने कमरे में बैठकर जूस पी रही थी, तब रानी ने उनसे कहा, मीना और गीता, माँ तुम दोनों के लिए चॉकलेट आइसक्रीम लेकर आई है, अगर तुम्हें नहीं खाना तो मैं तुम्हारे हिस्से की आइसक्रीम खा लेती हूँ। बेवकूफ लड़की, तुम हमारे हिस्से की आइसक्रीम क्यों खाओगी? हम अभी जाकर आइसक्रीम खा लेते हैं, चलो मीना। तब रानी मन ही मन खुश होते हुए बोली, अब आएगा मजा। जैसे ही वो दोनों कमरे से बाहर गई, रानी ने उन दोनों के जूस में लाल मिर्च पाउडर मिला दिया। कुछ देर बाद जब वो दोनों कमरे में वापस लौटी और गिलास में रखा हुआ जूस पिया, तब उन दोनों के मुंह और कानों से धुआं निकलने लगा। आह, पानी, कोई पानी लाओ। आह,
उन दोनों की ऐसी हालत देख रानी जोर जोर से हंसने लगी। यूं कुछ ही दिन बीत गए। एक दिन जब मीना और गीता काफी देर तक सोकर नहीं उठी तो सुमित्रा कमरे के बाहर से आवाज लगाने लगी, दोपहर होने वाली है, तुम दोनों कब तक सोती रहोगी? तुम दोनों को रानी की तरह सुबह जल्दी उठना चाहिए, देर तक सोना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, जल्दी उठ जाओ। माँ की बात सुन मीना मुंह बनाते हुए बोली, माँ तो जब देखो रानी का ही गुणगान करती रहती है, हमें किसी तरह माँ की नजरों से रानी को नीचे गिराना होगा। तुमने ठीक कहा, जब माँ रानी से नफरत करने लगेगी तभी हम माँ का प्यार हासिल कर पाएंगे। मैंने सुना है गांव के पास जो जंगल है उस जंगल में एक जादूगरनी सुमोना रहती है, हमें मदद मांगने उसके पास चलना चाहिए, वो जरूर हमारी कुछ मदद करेगी। ये सोच वो दोनों उस जादूगरनी के पास पहुँची। उन दोनों को आता देख जादूगरनी सुमोना खुश होते हुए बोली, आओ मीना और गीता, तुम्हारा स्वागत है। मैं जानती हूँ तुम दोनों यहाँ पर क्यों आई हो, तुम अपनी बहन रानी से परेशान हो। तुम्हें हमारे नाम कैसे पता और ये भी कैसे पता कि हम अपनी बहन से परेशान हैं? जादूगरनी सुमोना हंसते हुए बोली, मैं अपने जादुई गोले में सब कुछ देख सकती हूँ। ओह अच्छा, तुम कुछ ऐसा करो कि रानी हमारी माँ की नजरों में गिर जाए और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दे। मीना की बात सुन जादूगरनी सुमोना ने मीना और गीता को 3 अंगूठियाँ देते हुए बोली, ये काली अंगूठी तुम रानी को पहना देना और ये दोनों सफेद अंगूठियाँ तुम दोनों पहन लो। काली अंगूठी पहनते ही रानी जो भी काम करेगी उसका सारा काम खराब हो जाएगा, लेकिन सफेद अंगूठियाँ ठीक उल्टा काम करेगी। इन्हें पहनकर तुम जो भी काम करोगी सब कुछ बढ़िया होगा और तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करने लगेगी। दोनों बहनें जादूगरनी से वो अंगूठियाँ लेकर खुशी खुशी घर वापस लौट गयी। उन दोनों बहनों को पता नहीं था कि जादूगरनी सुमोना ने वो 3 अंगूठियाँ उन्हें किसी उद्देश्य से दी थी। अब ये 3 अंगूठियों से ये 3 मेरे बस में हो जाएगी। फिर मैं उसकी माँ से जादू हीरा हासिल करके रहूंगी जो उसने कहीं छुपा कर रखा हुआ है। उधर मीना और गीता अंगूठियाँ लेकर घर गयी। उन दोनों ने काली अंगूठी देते हुए रानी से झूठ बोला, रानी देखो माँ हम 3 के लिए बाजार से अंगूठियाँ लेकर आई है, ये काली वाली तुम्हारे लिए है। ये अंगूठी तो बहुत सुंदर है। ये कहते हुए रानी ने अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। फिर अगली सुबह जब रानी ने माँ सुमित्रा को चाय बनाकर दिया, चाय पीते ही माँ ने गुस्से से कहा, रानी आज चाय इतनी कड़वी क्यों बनाई है, लगता है चीनी के बजाय तुमने चाय में ढेर सारा नमक डाल दिया है। पर माँ मैंने तो चाय रोजाना की तरह ही बनाई है। तब सुमित्रा रानी से बोली, रानी आज से तुम खाना मत बनाना, मैं तुम्हारे हाथ का खाना बना नहीं खाऊंगी। मीना और गीता आज से तुम दोनों में से कोई एक मेरे लिए खाना बनाना। जब सुमित्रा ने रानी के हाथों का बना खाना खाने से मना किया तो मीना और गीता मन ही मन बहुत खुश हुई। देखा बंदरिया, माँ तुमसे प्यार नहीं करती, और तुम जल्दी से अपना बोरे बिस्तर बांधकर यहाँ से चली जाओ या कुएं में जाकर डूब मर। हाँ, मीना और गीता की बातों से दुखी होकर रानी रोते हुए अपने कमरे में चली गई। उसी रात मीना और गीता अपने कमरे में सो रही थी, तभी अचानक उनकी नींद खुल गई और पूरे घर में जादुई हीरा ढूंढने लगी। उधर जादूगरनी सुमोना अपनी गुफा में अपने जादुई गोले से सब देख रही थी। ढूंढो ढूंढो जल्दी ढूंढो, मीना और गीता मुझे वो जादुई हीरा चाहिए। रानी जब सुबह सोकर उठी तो घर का सारा सामान फैला हुआ था। ये देख रानी सोच में पड़ गई, घर का सारा सामान इतना फैला हुआ क्यों है, कल रात तक तो सब कुछ ठीक था, चलो चलकर माँ से पूछती हूँ। रानी ये बात जाकर माँ सुमित्रा को बताती है। तब सुमित्रा बोली, शायद मीना और गीता कुछ ढूंढ रहे होंगे। अच्छा रानी मैं मंदिर जा रही हूँ, तुम बगीचे से मेरे लिए कुछ फूल तोड़कर ले आओगी। जब रानी बगीचे से फूल तोड़कर उन्हें देने लगी तभी सुमित्रा की नज़र रानी की उंगली पर पहनी हुई काली अंगूठी पर पड़ी। तुम्हारी अंगूठी तो बहुत सुंदर है, ये तुम्हें किसने दी? माँ आपने ही तो दी थी, आप मेरे लिए काली अंगूठी, गीता और मीना के लिए सफेद अंगूठी लाई थी। मैं किसी के लिए कोई अंगूठी नहीं लाई थी। मीना और गीता यहाँ आओ, बताओ मुझे तुम्हें अंगूठियाँ किसने दी थी? ये अंगूठियाँ हम मेले से लाए थे,
तुम दोनों झूठ क्यों बोल रही हो? तुमने ही तो कहा था कि ये अंगूठियाँ माँ लेकर आई है। सच सच बताओ गीता और मीना, वरना तुम्हें आज खाने को कुछ नहीं मिलेगा। आखिरकार मीना और गीता को सारी बात सच सच बतानी पड़ी। हमें माफ कर दो माँ, हम रानी को आपके नजरों में गिराना चाहते थे, इसलिए हम जादूगरनी समोना के पास गए और ये अंगूठियाँ लेकर आए। पहले तुम तीनों जल्दी से इन अंगूठियों को अपनी उंगली से निकालो। तीनों बहनें अपनी अपनी उंगली से अंगूठी निकालने की बहुत कोशिश करती है, पर अंगूठियाँ उनकी उंगली से नहीं निकलती। माँ, ये अंगूठी तो निकल ही नहीं रही। क्योंकि ये साधारण अंगूठी नहीं है, ये जादुई अंगूठियाँ हैं। इसके माध्यम से जादूगरनी तुमसे वो जादुई हीरा हासिल करना चाहती है। जादुई हीरा? आपने तो कभी हीरे के बारे में नहीं बताया, आखिर जादूगरनी उसे हासिल क्यों करना चाहती है? जादुई हीरा जो भी अपने गले में पहनेगा, पृथ्वी के सभी लोग उसके गुलाम बन जाएंगे। कई साल पहले इस गांव में एक इच्छाधारी नागिन रहती थी। उसके पास एक जादुई हीरा था। उसने मरते दम तक उस हीरे की रक्षा की। मेरी उस नागिन से बहुत अच्छी दोस्ती थी। इच्छाधारी नागिन ने मरते वक्त जादुई हीरे की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। सुमोना वो हीरा हासिल करके पूरे लोक में राज करना चाहती है, पर मैं जीते जी उस जादुई हीरे को जादूगरनी के हाथों में नहीं पड़ने दूंगी। पर माँ, अब ये हमारे उंगलियों से अंगूठी कैसे निकलेगी? अब एक ही रास्ता है, हमें उस जादूगरनी के पास जाना होगा। सुमित्रा अपनी तीनों बेटियों को लेकर उस जादूगरनी के पास गई। आओ सुमित्रा, मैं जानती हूँ तुम यहाँ क्यों आई हो। अगर तुम्हें पता है तो मेरी बेटियों को अपनी जादुई अंगूठी की कैसे आज़ाद करो। जादूगरनी हंसते हुए बोली, फ्री में तो इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। मैं उन तीनों के हाथों से अंगूठियाँ निकाल दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें वो जादुई हीरा मुझे देना होगा, या अपनी एक बेटी को हमेशा के लिए मेरे पास छोड़कर जाना होगा। सोच लो। सुमित्रा सोच ही रही थी कि इतने में रानी ने फर्श पर रखा हुआ एक डंडा उठाया और डंडे से जादुई गोले को तोड़ दिया। जादुई गोले के टूटते ही जादूगरनी सुमोना बुरी तरह दर्द से करहाने लगी। बेवकूफ लड़की, ये तूने क्या किया? मेरी जान इस जादुई गोले में थी। ये कहते ही कुछ ही पल में जादूगरनी ने दम तोड़ दिया। जादूगरनी के मरते ही तीनों की उंगलियों से अंगूठियां निकलकर जमीन पर गिर गई। मीना और गीता को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और रानी से माफी मांगते हुए बोली, थैंक यू रानी, तुमने हमें बचा लिया। हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। कोई बात नहीं मीना, जहाँ प्यार होता है वहाँ छोटी मोटी लड़ाई तो होती रहती है। उस दिन के बाद से सुमित्रा की तीनों बेटियाँ मिलजुल कर बड़े प्यार से हंसी खुशी एक साथ रहने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल अमन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ।